सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सैयदना व मौलाना उमर फारूक भी हैं। हाँ हैं, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। मगर ये कौन सा वजीर है? फरमाया मिन आहली। वजारत की बात नहीं हो रही, वजीर मिन आहली, वजीर मिन आहली। अबू बकर मेरा यार है, पर एक वजीर चाहिए जो मेरे आल से हो। सुनने वाला खामोश हो जाए तो सुनाने वाला भी फिर खामोश हो जाता है ना। अबू बकर मेरा यार है, वजीर है, उम्र फारूक मेरा यार है, सच्चा वजीर है, पर मैं क्या कहता हूं वजीर मिन अहली। वो कैसा वजीर? फर्क क्या है आल में? फर्क ये है, एक तो वजीर ऐसा हो ना, जिब्रील भी वजीर हो तो इजाजत लेके आता है, एक तो मेरे आल से हो तो इसको बगैर इजाजत भी आने जाना। वजाली कर मेरे लिए, बना मेरे लिए वजीरन वजीर, पर कौन मिन आहली। किसको? हारूना अखी। अब सुनो भाई ये बात है, हारूना अखी, हारूना अखी। शाहजी कहां से पढ़ रहे हो? मैंने कहा ये तो मौली नाफे साहब भी लिख गए कि सबसे टॉप की हदीस ये है। नाफे वालों, अगर तुम्हारे ईमान के हिरन का नाफा खाली नहीं ना हो गया, तवज्जो है जी, यकीनन है ना। हारूना अखी, तो हुजूर फरमाते या अलियो अंता मिन्नी बिमंजिलते हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। या अल्फाज दिगर वाला रसूल अबादी। फर्क सिर्फ ये है, वो हारून मूसा का, अली तू हारून मोहम्मद का। सिर्फ जो नहीं है तू, तो इसलिए कि मोहम्मद है खातमुन नबीन, मेरे बाद मेरा हारून नबी नहीं होगा, रसूल नहीं होगा, नबी नहीं होगा, क्योंकि खत्म नबूवत का ताज आया मेरे सर पे। लेकिन नबूवत और रिसालत के अलावा जो जो हारून था वो मोहम्मद का हारून अली है।